सर अगर हम बिस्किट ले रहे हैं पार्ले जी, तो इसका यूनिट क्या बनाएंगे? इसका यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से अल्ट सी प्रेस करना है। अल्ट सी प्रेस कीजिए, एंटर किए। अब यहां से अल्ट सी प्रेस कीजिए, आ गया ये। यहां पर सिंबल दिया हुआ है, तो चूंकि पार्ले जी का बिस्किट बिकेगा तो ये पैकेट में बिकेगा, तो यहां मैं लिख देता हूं पीकेटी। पैकेट इसका मतलब हो जाएगा पैकेट, क्योंकि यहां लिखा हुआ है सिंबल। सिंबल का मतलब संकेत, ठीक है। और यहां पे एंटर प्रेस करेंगे, फॉर्मल नेम इसका दे देते हैं पैकेट, PACKET। तो ये हो गया पैकेट, ठीक है। एंटर करेंगे और यहां पर पैकेट ऐसा तो है नहीं कि डेढ़ पैकेट बेचेंगे, पौने तीन पैकेट बेचेंगे, तो इसीलिए यहां पे डेसिमल प्लेसेस जीरो रखा। एंटर किया, एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराया। तो इस तरीके से यूनिट बना लिया। अब यहां पर मान लीजिए कि 500 पैकेट आप लेके आए पार्ले जी का, ठीक है। और यहां पर 500 पैकेट में एक पैकेट की कीमत रही, समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट स्टॉक आइटम आप बनाइए, बनाइए अल्ट सी करके बनाइए। सर्फ SU, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अब ये भी पैकेट में ही बिकेगा? नहीं, किलो में बिकता है, तो इसके लिए अलग से यूनिट बनाइए, ठीक है। अल्ट सी करके अलग से यूनिट बनाइए, आ गए। तो यहां पे लिख दीजिए केजी, हो गया। एंटर कीजिए, फॉर्मल नेम दे दीजिए किलो। एंटर कीजिए, यहां पे डेसिमल प्लेसेस थ्री कर दीजिए, रीजन वही है सेम, थ्री कर दीजिए डेसिमल प्लेसेस। एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, हो गया। अब यहां पर कितने किलो व्हील सर्फ आप रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 किलो, ठीक है, आ गए। एक किलो की कीमत कितनी है? 50 रुपए, 40 रुपए, जो भी हो 45 रुपए है, ठीक है। तो पूरे की कीमत आ गई। तो इस तरीके से आप यूनिट बनाएंगे, समझ में आई बात। और भी अगर आपको स्टॉक आइटम लेना हो तो और भी स्टॉक आइटम ले सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक एंटर 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 करते जाना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, तो सीटीआरएल ए भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। जैसे ही सीटीआरएल ए प्रेस किया तो वो एक्सेप्ट हो गया, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई। अब इसको देखना है तो कहां जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर स्केप बटन प्रेस करेंगे, बाहर आएंगे। आइए, अब यहां पर डी प्रेस कीजिए एक बार, फिर एक बार और डी प्रेस कीजिए, दो बार, आ गए। यही आपका था ना एंट्री, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री दिख जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अल्ट पी करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है विथ प्रीव्यू, तो विथ प्रीव्यू पे क्लिक करके यस कर दीजिएगा, तो आपको ये प्रीव्यू दिखेगा, इस तरह से प्रिंट आएगा आपका, ठीक है। जो बिल बनेगा इस तरीके से प्रिंट आएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है कैश में आपने परचेस किया है, ठीक है, जिसका बिल सप्लायर द्वारा आपको दिया गया है, उसी की एंट्री आप अपने यहां कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से आप चीजों को मैनेज करेंगे, उसी हिसाब से आप सेल करेंगे अपने यहां, ठीक है, क्लियर, ओके।